हेलो गाइस, मैं सूरज आज आपके नए वीडियो के साथ आया। दोस्तों आज बताने वाला हूँ बीएससी थर्ड ईयर वालों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही चुके होंगे, बीएससी थर्ड ईयर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और सेकंड ईयर की यदि कोई देख रहा है तो यार एक बात बता दूँ, सेकंड ईयर वालों के लिए ठीक है, जो लेट हो गई आज क्लासेस, और एक्चुअली मैं राइटिंग मतलब किसी लिखूंगा उसके बाद ही उस क्वेश्चन को प्रोवाइड कर पाऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं बीएससी थर्ड ईयर के, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फर्स्ट ईयर वाले सेकंड ईयर वाले। यदि आपको कोई भाई बहन सिस्टर कोई भी है तो यार हमारे यूट्यूब चैनल पेपर हैकर के बारे में बता देना, और जो मैंने आपको 2020 में आने वाले क्वेश्चन दिए हैं ठीक है ना, केमिस्ट्री जियोलॉजी बॉटनी फिजिक्स मैथ, मैथ के भी दे दूंगा, मैथ के भी दे दूंगा, मैं कंप्लसरी सोच रहा हूँ मैथ के भी दे दूँ ठीक है ना, क्वेश्चन मैथ के भी दूंगा, टेंशन मत लो, मैथ को आपको कंप्लसरी कराऊंगा, मैथ भी कराऊंगा ठीक है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है ना। बताओ मैथ भी करा दूँ, मुझे बता देना, मैं लाइव आऊँगा बहुत जल्दी ठीक है, उसके बाद मैं आपसे आंसर पूछूंगा, और तुम मुझे बस जो मैं क्वेश्चन पूछूँ यदि आप मुझे बता सकते हैं तो ठीक है, जैसे कि बहुत सारी बातें करेंगे कि आप मैथ के लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं ठीक है ना, आप कहते हो सर ले आओ मैथ, आप मुझे बताओ ठीक है ना, तो 100% हम आपको बताएंगे, और 2020 में वो ही क्वेश्चन आएंगे पक्का गारंटी के साथ में ठीक है ना। तो मुझे कमेंट करके बताना कि कितने लोग मैथ चाहते हैं ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बात करने वाला हूँ, देखिए सल्फोनिमाइड क्या होता है, देखिए सल्फोनिमाइड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2020 के एग्जाम के लिए ठीक है ना। और नोट्स डाउनलोड करना डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ठीक है ना। डेली डेली मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। यहाँ देखो आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो सल्फोनामाइड किसे कहा जाता है, तो सल्फोनामाइड को बिल्कुल शॉर्ट में आज को याद कराऊंगा और आपको एक ही बार में रटा दूंगा ठीक है ना। इस वीडियो के बाद में आप कभी और वीडियो देखने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि आपके माइंड में हम इसे पूरा डाल देंगे, सच मतलब पूरा क्वेश्चन ही डाल देंगे बिल्कुल आसान विधि से। तो यहाँ क्या है देखिए, सल्फा और नमाइड की बात की जाए तो किसे कहा जाता है, तो पहले वो जान लेते हैं उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये भी जानेंगे ठीक है, ये किस चीज़ से बनता है ये भी जानेंगे, इसके भौतिक गुण के बारे में यूज बारे के कुछ पॉइंट्स समझेंगे। तो यहाँ देखिए चलते हैं, देखिए यहाँ क्या आ रहा है, जो सल्फोनिक सल्फोनिक अम्ल के ठीक है ना, यहाँ बोला जा रहा है कि सल्फोनिक अम्ल के एमाइड सल्फोनमाइड कहा जाता है ठीक है ना, तो एमाइड सल्फोनमाइड कहा जाता है या कहलाता है, जो सल्फोनिक अम्ल होता है उनके एमाइड को सल्फोनामाइड कहा जाता है। समझ में आया, कुछ आया समझ में नहीं आया, जो सल्फोरिक एसिड होती है, सल्फोरिक एसिड होती है ना, सल्फोनिक एसिड उनके एमाइड ठीक है, एमाइड एमाइड को क्या कहते हैं, सल्फोनामाइड कहा जाता है, उन्हीं को हम सल्फोनामाइड कहा जाता है, और कह रहा है या जो अमाइड होते हैं वो सल्फोनामाइड कहलाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं ठीक है, कहा जाता है कहलाते हैं। तो यह क्या होते हैं, वो बेंजीन सल्फोरिक एसिड में उपस्थित ठीक है ना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में या मतलब कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, कुछ भी कह सकते हैं, एसिड कह सकते हैं या अम्ल कह सकते हैं, में उपस्थित या प्रेजेंट कितने SO3H ठीक है ना, SO3H समूह में उपस्थित OH समूह को ठीक है, कह रहा है को NH2 और NR2 द्वारा विस्थापित कर बनते हैं। क्लियर समझ में आ रहा है, क्लियर समझ में नहीं आया ना, चलो कोई बात नहीं दोबारा से रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तो आप इतना तो समझ चुके हैं कि सल्फोनिक अम्ल के एमाइड को सल्फोनामाइड कहा जाता है ठीक है। उसके बाद में यहाँ देखो कह रहा है कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल में उपस्थित SO3 ठीक है ना और OH समूह को NH2 या फिर NR2 द्वारा विस्थापित पर ठीक है, विस्थापन कर बनते हैं या विस्थापन ठीक है, विस्थापन कर बनते हैं ना, कर होगा या पर नहीं होगा, विस्थापन कर बनते हैं ठीक है। तो यहाँ देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का जो क्या स्ट्रक्चर क्या है ये दिख रहा है, ये अम्ल का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, कह रहा है OH के समूह को और NH2 ठीक है ना, आप ही ऐसे ले लो ये चीज़ ले लो कोई दिक्कत नहीं है, उपस्थित भी कोई हो नहीं, कोई भी समूह ले सकते हैं ठीक है ना। तो यहाँ आपको लिखे लिए OH समूह ले लिया, यहाँ OH समूह ले लिया और NH2 ले लिया यहाँ ठीक है ना, NH2 के अब उपस्थिति में क्या बनता है, बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाता है, क्या बन जाता है, बेंजीन सल्फोनाइड बन जाता है ठीक है ना। अब जब बेंजीन सल्फोनाइड बन गया हमारा, देखो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, तो बेंजीन सल्फोनाइड बनाने की विधि आपको सिंपली समझ में आएगा। अब देखिए जो बेंजीन सल्फोनामाइड है उसी को हम क्या कहा जाता है, सल्फोनामाइड मतलब कि सिंपली सल्फोनाइड, बेंजीन से जो बनता है बेंजीन सल्फोरिक अम्ल से बना, वैसे हम सल्फोरिक अम्ल के एनमाइड को सल्फोनामाइड कहा जाता है, लेकिन हम बेंजीन से बना रहे हैं तो बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा ठीक है ना, बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगा। तो बेंजीन सल्फोनामाइड का स्ट्रक्चर याद रखना, ये चीज़ होता है C6H5 और S और डबल O इधर उबल लग जाएंगे तो ओपन बाइंड से और NH2 मिल जाएगा ठीक है साथ में, और ये क्या है नीचे जाएंगे, एक विधि तो ये हो गई, अब बनाने की विधि एक और जान लेते हैं।
तो यहाँ भी देखिए आपको सिंपली NH3 से निकाल अमोनिया द्वारा तो बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाता है सिंपली देखिए, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ भी कुछ नहीं है, आप सिंपली कर सकते हैं इस चीज़ को, और अमोनिया के साथ क्रिया करने पर बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाता है, HCl निकल जाता है, क्लियर हुआ। अब देखो इसमें बात कर लेता कि भौतिक गुण के बारे में, मेरे हिसाब से तो आप कोई भी कर सकते हैं, या तो आप ये कराइए सिर्फ, ठीक है यही करके आना, और चाहो तो आप ये भी परिभाषा, ये भी मतलब कि एक्चुअली एक्सरसाइज लिख सकते हैं, रक्षण लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, ये चाहो वो कर सकती है, या चाहे ये वाली चाहो ये कर सकते हैं। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे और भौतिक गुण फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डालेंगे, हेडिंग डालने के बाद देखेंगे देखिए भौतिक गुण क्या हो सकते हैं। सल्फोनामाइड होते हैं वो क्रिस्टल ठोस होते हैं, मतलब कि क्रिस्टली कैसे होते हैं, क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उसके जो गलनांक होता है वो कैसा होता है, तीक्ष्ण होता है, सौर्प होता है, ठीक है ना, तीक्ष्ण गलनांक होता है इसका। और दूसरी हेडिंग डालेंगे लिखेंगे जो सल्फोनामाइड होता है उसमें क्या होता है, अम्लीय जो कैसी होती है, प्रकृति में होते हैं, और अम्लीय क्षार में अभिक्रिया करके जल विलयन लवण बनाते हैं, ठीक है ना। अब देखो उन्होंने क्या किया, एक रासायनिक गुण भी देख लेते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में देखने को मिलेगा, शॉर्ट में देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों, शॉर्ट में, ठीक है, लॉन्ग में नहीं मिलेगा, शॉर्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मिल सकता है तो कुछ यूनिवर्सिटी में ये पूछा जा सकता है, कुछ में नहीं भी पूछा जा सकता, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको इंपोर्टेंट दिया इसलिए करा रहा हूँ। नोट्स में देखिए जो चीज़ आपको इंपोर्टेंट मिल जाती है हम वो चीज़ करा रहे हैं। यहाँ देखो सिंपली कुछ नहीं है, एन एल्किन एरिल सल्फोनामाइड, ठीक है ना, उसको NaOH के साथ क्रिया कर दी, ठीक है ना। और आपको यहाँ देखिए एन एल्किल एरिल सल्फोनामाइड का सोडियम लवण प्राप्त हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, सोडियम लवण प्राप्त हो गया। तो आपसे फिर कुछ नहीं करना है, क्लियर हुआ, बस आपको इतना उतार लेना है, उतार लोगे ना, कोई प्रॉब्लम किसी को, बस आपको इतना ही कर लेना है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कीजिए, थैंक यू।